हे गाइस, अभी इंटरनेट का फिर से कुछ इश्यूज हुआ है, शायद अभी ऑनलाइन आपका रुक गया होगा। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको मैं ना जैसे इंटरनेट आएगा फिर मैं डाल दूँ, तो थोड़ा सा शायद दिक्कत होगी एक दो घंटा तक और। ठीक है, ये थोड़ा सा मत होना कि अधूरा बीच में क्यों बंद हो गया, मैं इसको तुरंत डाल दूँगा सेवा। चलो देखो बोला क्या है। ए बी है ना, ए बी कितना दिन में करता है? 9 दिन में। ठीक है, और बी सी कितना दिन में करता है? 12 दिन में। ए और सी 18 दिन। ये 18 दिन, यहाँ से बताना क्षमता कितना हो जाएगा तीनों का, कितना होगा? कैसे 9 क्षमता होगा, कितना होगा? तो 9 किसको बोल रही है? 36 हुआ ना, किसका क्षमता तुम बोले? तो 9 होगा, इसका होगा 36 ना, ये 4, इसका 3 और इसका 2। अब यहाँ पे हम सबका क्षमता निकालते तो क्या जोड़ेंगे, अगर सबको जोड़ते तो क्या आएगा बताओ ना, 2a + b + c आएगा। तो सबको जोड़ने पे क्या है, 2 बार a 2 बार b 2 बार c आएगा, आएगा ना। इसकी क्षमता कितनी है बताना, 7 + 7 होना, यानी किसकी क्षमता ये ए बी सी का नहीं है बल्कि ए बी सी का डबल करने पे क्षमता 2 आया है ना। तो मुझे अगर ए बी सी का क्षमता निकालना है तो क्या करोगे, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं ना, देखो 2 ABC का जो इफिशंसी है कितना आया, 9 आया। ए बी सी का क्षमता कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला कि बताना कितने वक्त लेगा, तो कितना वक्त लेगा, 36 टोटल वर्क है और क्षमता कितनी है इसकी, 9/2 है ना, ये हो गया 36, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर 9/2, तो फिर 9 से कितना कटेगा, 9 × 36 2, कौन सा 2 पूछ रही है, ये वाला, ये 2 था ना 2 ABC, ABC की वैल्यू निकाल दी जाएगा ना, जैसे 2, ये 2 ABC क्यों आया, क्योंकि तो यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो कितना A होगा बता, सबको जोड़ने पे एक यहाँ पे 2A हो जाएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन बताओ। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है, काम पूरा होने पर 930 रुपये के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा, बता रहे मोहन कितना मिलेगा तुम्हें, नहीं बताए तो तुम सोच रहे ना, लिखते ना मोहन पास में बार बार, बताए सर सर नहीं बताएगा, बेकार है तेरा नाम रखना मोहन फिर ना। आज बता देगा ना, इस नाम कटा देंगे, ऐसा इंसान चाहिए, हटा देगा। बचपन का नाम है ना मोहन, बचपन का नाम है मोहन रे, स्कूल का नाम मोहन है, घर का नाम है बचपन। नानी घर वाले बोलना कि आशीर्वाद से मोहन को ही नहीं बोलना, सबको बोल दो। चलो देखो, बोला मोहन की तुलना में रजनी क्या है 25% कम काम करती है और रिजवान की तुलना में मोहन कितना करता है 20% अधिक। अब देखो यहाँ पे समझते हैं कैसे, ये अच्छा ये क्या है 25% 20% इफिशंसी है, ये क्या है, इफिशंसी है ना, तो पैसा मेरा इफिशंसी बढ़ जाएगा, उसने बताया था ना कि अगर पैसा होता है और फिक्स काम नहीं होता पैसा किसे बांट देंगे, इफिशंसी में सबको बांट देंगे। अब इसको देखो, अगर मैंने कहा है मोहन, ठीक है, या फिर ऐसा लिख लो आपको लगता है तो मोहन और फिर रजनी और रिजवान है ना, 3 जन। अब देखो क्या बोल रहा है, मोहन की तुलना में किसका काम कम है 25% रजनी का। देखो यहाँ पे मोहन, रजनी और रिजवान, ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। तो बताओ कम कौन करता है, मोहन करता है रजनी करती है, रजनी कम करती है,
अगर मोहन चार काम करेगा तो रजनी कितनी काम करेगी, एक घट जाएगा तीन ना। और फिर वहां बोल रहा है कि रिजवान की तुलना में मोहन कितना काम करता है, 20%। किसकी तुलना में बोलो, 20% की वैल्यू बेटा। हाँ तो कौन ज्यादा करता है, किसकी तुलना में रिजवान की तुलना में मोहन ज्यादा करता है, है ना। तो रिजवान का अगर मान लो 5 है तो मोहन का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, होगा। अब मान लो कि मुझे इक्वल करना है तो मोहन का कितना हो जाएगा, एलसीएम बताना, 24 या 12। अगर 12 होता है तो मान लो 4 को कितना से गुना करेंगे, जो 12 होगा 3 से, इस 3 को कितना से गुना करोगे, 3 से, ये हो गया। अब इस 6 को 4 से गुना करने कितना से गुना करोगे, ऐसा करो ना, 6 गुना 4 ही रहने दो, 24 हो गया। अब 24 करने के लिए इसको कितना से गुना करोगे, 4 को 6 से, 3 को कितना से करेंगे, 6 से, ठीक है। इसको 24 करना, इस 6 को कितना से गुना की, 4 से, इस 5 को कितना से करोगे, टोटल सबके एफिशिएंसी कितना होगा, 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 5 हो गए 20। उलझ गए, क्यों उलझ गए, अच्छा कोई बात नहीं, सब वो समझ रहे ना, तुम तो बोला नाम ही कटवा दे, समझे कुछ ही करेगा तुम, कटवा देना सिवा सा नाम, तुम अभी फोन कर दो घर में, बोल देना गुड्डू से घर में जाकर के, ठीक है, नाम नहीं रखेगा सिवा से। देखो इफिशंसी है ना, मोहन का तुलना किससे किया, रजनी का, तो बोल देते मोहन और रजनी का तुलना कर दे, ठीक है। मोहन और रजनी को तुलना करते तो बोल रहा है कि मोहन की तुलना रजनी कम कर दी 25%, ठीक है। तो 25% का वैल्यू कितना, 1/4 हुआ, तो 4 कौन करेगा पहले बता दो मुझे, मोहन करेगा या रजनी करेगी, मोहन करेगा, तो रजनी कितना करेगी, इससे कम, यानी 3 करेगी रजनी, ठीक है। आगे मुझे बताओ फिर क्या बोल रहे हैं, बोलो, रिजवान की तुलना मोहन कितना अधिक करता है, 20%। 20% की वैल्यू कितना हुआ, तो 5 कौन करता है, रिजवान, मोहन कितना करेगा, 6 करेगा। अब मुझे ये बताओ कि जैसे मोहन का जब तुलना एक बार रजनी से की तो 4-3 का गया, और रिजवान से तो 6-5 का गया, अगर मोहन तो इक्वली करेगा ना, जैसे मैंने उस दिन आपको रेशियो बताया था कि अगर हम 3 लोग खड़ा करते तो 3 लोग अगर रेशियो करेंगे साथ साथ, लेकिन होता क्या कभी उसका उससे साथ करते अलग हो जाता है, इसका उससे साथ करते अलग हो जाता है। जैसे मान लो, जैसे मैं एक समझाता हूँ, जैसे ए बी सी है, ठीक है, अब हम एक साथ ना ए का 10 रखते हैं, इसका 20 रखते हैं, इसका 15 रखते हैं, ठीक है। अब ये तीनों का रेशियो क्या हो जाएगा काटने पर, क्या होगा, 2, 4 और 3, ठीक है। लेकिन मैं पूछो इस दोनों का रेशियो कितना होगा, कितना होगा पता, 1-2 का, और इस दोनों का रेशियो कितना होगा पता, 4-3 का, तो क्यों अलग आएगा बताओ, 20 बी का अलग अलग क्यों आ गया, इससे करने में बी का आया कितना, 2, इससे करने में बी का आया 4, क्यों, बी तो इक्वल ही था ना दोनों जगह से, अगर इस तरह से काटे तो 2-4-3 था। अगर मैंने तीनों का एक साथ कंपेरिजन किया तो अपना वैल्यू, लेकिन अगर हमने अलग अलग किया है तो हो सकता है इधर करने पे ये ज्यादा मात्रा कट गया। देखो तो मैंने तीनों का कंपेरिजन किया तो 3 से 5-5 ही काटे ना, 5-5 ही काटे ना, 5-2 10, 5 से काटे, लेकिन जब इस दोनों का किए तो इस दोनों में 10 मिल गया, मेरा 10 हमने काट दिया, इधर 5 मिला, 5 काट दिए, इस कारण से रेशियो क्या दोनों का अलग अलग हो गया, अलग अलग करने पे, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या था, बी का तो इक्वल था ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बी को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, यानी मोहन को, मोहन का जब इससे तुलना किया तो 4-3, इससे किया तो 6-5 है, तो मोहन को मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर तीनों का साथ में करते हैं तो मोहन को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। अब इस इक्वल करने के लिए क्या करोगे, एक जगह 4 एक जगह 6 है, इसका इक्वल करने क्या करोगे, 6 से गुना करोगे या फिर एलसीएम दोगे। अगर मैं 6 से गुना करता हूं तो देखो इसको 24 करने के लिए इसको कितना से गुना करेंगे, 6 से, इसको 24 करने इसको कितना से गुना करेंगे, 4 से। अगर मैंने 6 किया तो 20 से तो नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो है, तो ऊपर नीचे से करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको जब 6 से किया तो इसको भी कितना से करेंगे, 6 से, ठीक, कितना हो गया, 6 चौक और 6 तिया 18, ठीक है। इसको जब 4 से किया तो इसको भी तो 4 से करेंगे ना, तो यहाँ कितना हो गया, 6 चौक और 5। अब आ गया मोहन का दोनों जगह सेम 24 24, ठीक है, वही चीज़ हम यहाँ पे किए थे, ठीक है।
चौबीस अठारह, अब इसको काट दो चाहोगे तो फिर ऐसा रहने दो, ऐसे कट भी जाएगा काटेंगे तो नहीं भी रहेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे काटना है काट दो। कैसे काटोगे, छः से छिया अट्ठारह, छेद कटेगा नहीं कटेगा ना भाई, कैसे काट यहाँ से काट कटेगा, दो से कटेगा ना, दो से कितना कटेगा ये बारह, दो से दस, बारह नौ दस हो गया। अब बारह नौ दस हुआ है, अब से क्या पूछा, नौ सौ तीस रुपये का लाभ मोहन का कितना मिला, नौ सौ तीस रुपये का किसको लाभ मिला, तीनों को मिला कर ना, तीनों की एफिशिएंसी कितना है बता, नौ सौ तीस है, कितना वैल्यू तीनों का क्षमता मिला करके, और नौ सौ तीस रुपये जो मिलता है वो तीनों को मिलता है ना, अब तीनों की एफिशिएंसी कितना है बता, बारह दस बाईस और नौ इकतीस, ठीक है। और निकालना किसको हमको, मोहन का, तो मोहन का हिस्सा कितना होगा, बारह होगा ना, गुना बारह करो तो इकतीस तिया तिरानवे और बारह तिया कितना पैसा हो गया, तीन सौ, समझ में आया। गाना गाओ, समझा ना, कुर्बानी 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 करके गाना आता है, गाओ उसको। अब सोचना किसका कुर्बानी दे, अपना कुर्बानी दे, अपने सपने कुर्बानी दे, आने नींद का कुर्बानी दे, या फिर जो हमारे ने हीन भावना उसकी कुर्बानी दे, किसी कुर्बानी दोगे बाद में सुनता ना, पहले अपना कनवा भेज दो। किसका दे दिया, किसका कुर्बानी दे दिया क्यों दिया जाए, क्रिकेट खेलो जाओ। अब ठीक है चलो, कुर्बानी दे दी क्रिकेट का, अब एक तरफ कुर्बानी दे के दूसरा तरफ फायदा नहीं उठा, बेकार है ना, दोनों दोनों में कुर्बानी चल जाएगा तेरा, इधर बैठ के क्रिकेट सोच रहा होगा, क्रिकेट सब खेल रहा होगा, कैसे खेल जाकर के ये नहीं सोच रहा होगा बैठे बैठे। ये तो प्रॉब्लम है हमारे पास ना, यहाँ बैठे बैठे सोचते क्रिकेट खेला, क्रिकेट के आ जाएंगे सोचने क्लास कर लेते, ज़्यादा अच्छा रहता, नहीं समझ आएगा। जिस दिन तेरे बैच में किसी का हुआ जॉब, किसी बैच हुआ तेरे बैच में किसी का हुआ सिलेक्शन, बैच में नहीं हुआ रे, जिसके साथ क्रिकेट खेलते उसके साथ ना एक होगा, उस दिन समझ में आएगा, जिसने वो ना मतलब कुछ कर लेगा ना, तुमको मिठाई खिलाना अपने हाथ से, तुमको लगेगा समझ में आएगा, उस दिन अभी नहीं आएगा, हटे हो गया, क्योंकि अभी दीदी का ना हुआ था, तुमको उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, सबसे खराब कब लगता है पता है, दोस्त आके खिलाता मिठाई का, मेरा सिलेक्शन हो गया, खा कुछ देगा तेरा मुँह में, तब समझ आएगा कि किसको कहते खाना, यहां तक जाएगा आंख चिन्ने, यहां तक जेवे नहीं करेगा नीचे, हाथ तो लेगा अलग बात, एक बार के रात पर सोएगा नहीं फिर खा करके, आने दो वक्त देख लेना मेरी बात, याद रखना। बोलता आर्यन को एक काम को पूरा करने में कितना लगता है बताना, बोलो आर्यन को एक काम को पूरा करने में विपिन से दोगुना समय लगता है, इस पर समय आ गया ठीक है, कुशलता नहीं आया, हर बार क्या था कुशल है ना, काम ज्यादा कर पाता था, लेकिन इस पर क्या समय डबल लगा है, इस पर काम की बात नहीं हुई है, इससे पढ़े क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था अभी तक में, काम ज्यादा कर पाता है डबल कर पाता है ना, लेकिन इस पर क्या है समय, बोला है कि आर्यन को एक काम को पूरा करने में विपिन से कितना लगता है, डबल समय लगा, और दोनों कितना करता है उसी काम को दो दिन में, तो विपिन अकेले उस काम को कितने में करेगा, ठीक है अच्छा से देखते हैं। ये कल बताए थे आपको आर्यन और विपिन, ठीक है अब ये समय है कितना लगता है बोल, इसको दो, विपिन का आर्यन को दो, क्षमता क्या हो जाएगा बोलो, कल बोले थे ना कि एक और दो पलट जाएगा, बोले थे परसों कि जो टाइम होता है उसका जस्ट उल्टा एफिशिएंसी हो जाता है, बोले थे कि नहीं बोले थे, देखो तीन अभी भी आएगा दोनों का क्षमता, और अभी भी तीन आएगा, लेकिन फर्क क्या पड़ जाएगा कि क्षमता चेंज हो जाएगा,
क्योंकि अगर ए डबल समय लगता है, इसका मतलब काम क्या करता है, कम करता होगा। आप किसी से को काम करते हैं कोई काम और अपने फ्रेंड से ज़्यादा समय लेते हैं, इसका मतलब आप उससे कम काम करते, तब ना उसी तरह समय की बात होती थी, थी। हमको अगर क्षमता में चेंज करके बदलना पड़ेगा। हम परसों वाले वीडियो में बताएं, तुम जाके दोबारा देखना जिसमें समझ नहीं आया होगा। ठीक है, टाइम और एफिशिएंसी आपस में एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो अब ये क्या हो गया हमारा, क्षमता आर्यन का एक, विवेक का दो। अब क्या बोल रहा है, दोनों मिलकर शाम को दो दिन में। अब या तो तुम इस तरह से बना लो, ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट बना लो कि टोटल वर्क निकाल लो, क्या हो जाता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। दोनों का टाइम कितना है, क्षमता कितना है बोलना, एक इसका और दो इसका, यानी एक प्लस दो तीन, यानी तीन दुनी छः काम हो गया। और निकालना किसका है, विपिन का। तो विपिन के लिए समय क्या निकलेगा बोलो, विपिन के लिए समय क्या होगा, वर्क बाय बोलो, टोटल वर्क बाय एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है और विपिन की एफिशिएंसी कितना है, तो कितना हो जाएगा, तीन दिन है ना, अगर आपको अपने सपने से प्यार है तो कहीं भी कोई कंजूसी नहीं करोगे। तो सोने से प्यार है तो फिर अपना सोचने की जरूरत नहीं करना, सपने सपने के बारे में सोचना भी मत फिर, ठीक है, नहीं तो तुम सोएगा दूसरा का सपना पूरा हो जाएगा। एमएलए में ज़्यादा होता है, नेटवर्किंग वाले में, तुमको दिखाएगा सपना पूरा, वो अपना कर लेगा, फिर तुमको छोड़ देगा, भाई तुमने करते रह जाओ, पता है ना रे ऐसा। पता है एक बार जा रहे थे हम कहीं जा रहे थे, एक लड़का मेरे को जहाजा में चकराई साइड का था, पता तुम ही लोग का कास्ट का था, बब्लू ऊना क्या तो था, सेफ सोप था कि कुछ था, सेफ सोप नहीं था, 20,000 रुपया दिया था वो, और पता है गिरडी में जाके फंस गया था, जैसे अग्रिड में जाके फंस गया था, पता है अब वो बोल रहा था कि भैया हमको ना वहाँ निकलने नहीं दे रहा है, घर वाला बोलता है पैसा दो और 20,000 रुपये ले लिया। पहले उस रूम बोला कि तुमको काम देंगे, बोला कि 2 महीने से हमको रख ले उसी तरह से, कुछ कुछ खिलाता रखे रहता है। अब बोला बोलता है कि तुम पहले किसी और दो किसी का, तब तुमको जाने देंगे यहाँ से, बोलो फोन करो, घर फोन करो, दोस्त को फोन करो कि वो आपको आएगा ज्वाइन करेगा। अब वो पता है बोला कि हम क्या करें, हम छोड़ दो, बोल दो घर वालों की हो गया हम नहीं करेंगे, बोला नहीं घर में बोले, घर में डांटेगा, पैसा दे दिया सो। अब वो फिर वहीं जा, मतलब अनजाने में फंसा हुआ है। वो ऐसा तुमको ब्रेन वॉशिंग कर देता है, तुम्हारा ब्रेन वॉशिंग कर देगा वैसे, तो किसको पकड़ोगे, पहले दोस्तों को ना पकड़ो और घर वाले पकड़ोगे। चलो देखो वो क्या करता है, अपने कारण से अपना सपना पूरा करता है, तुमको डाल दिया गड्ढा में। रीना और जया एक साथ किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती है और जया अकेले से 8 दिन में पूरा कर सकती है, तो रीना अकेले से काम को कितने में पूरा करेगी, रीना और जया कितने दिन में, 6 दिन में, और कौन, जया पूछा रीना कितने दिन में करेगी, ठीक है, इसका वर्क कितना है टोटल 24, एफिशिएंसी इसका कितना, इसका 4, इसका 2 के सर 3, तो फिर रिया का कितना हो जाएगा एफिशिएंसी बताना, ठीक है ना, तो इसका टाइम कितना लगेगा, इसको निकालोगे ना काम, और समय क्या होता है, समय बराबर वर्क बटे एफिशिएंसी, वर्क कितना आया, एफिशिएंसी कितना आया, कितना दिन लग गया, 20 दिन, ठीक है, मजा आ रहा है बोलो, नहीं इजी लग रहा तुमको टाइम एंड वर्क, सबसे ज़्यादा इजी चैप्टर यही है, कुछ जगह है फर्स्ट जहाँ सुबह क्वेश्चन आया था बन गया था, बट थोड़ा सा सोचना पड़ गया था, लिखवा दे क्वेश्चन वाला, हाँ मोबाइल का बेटा, अच्छा आगे देखो फिर लिखवाते हैं, हो गया समझ में, रिकॉर्डेड रहेगा कि जिसको मैंने दोबारा दोबारा जाके देख लेना, अपने लिए सोचो कि थोड़ा सा क्या करना है।
तभी घर वाला बोलता होगा पढ़ पढ़ पढ़, तुम लोग को पता नहीं चलता पढ़ना क्यों है, सोचते हो घर वाला बहुत जिद करते थे पढ़ 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 पढ़। एक बार फिर मोटिवेशन तुम लोग बीच में दे देंगे, ठीक है फिर और पढ़ोगे जाना काफी अगली बार नहीं रहोगे। चलो अच्छा, मोटिवेशन के बाद पढ़ने मन लगता है कि नहीं पढ़ने लगता है? हाँ, दो दिन पढ़ा उसके अंदर अभी उसके दिमाग में ना छन्नी लगा हुआ नहीं होता है चल चलनी, जो डलता था वो नीचे गिर जाता। चलो तो चल नहीं पता है कि नहीं कुछ, अभी काम आएगा 14 जनवरी में, बचा के रखना अपना वाला, अगर कोई ले लेगा जाकर के तेरा समझा, सबको जरूरत पड़ेगा अभी बना उसको। लिखवाते क्वेश्चन जीतो, अरे मैथ्स वगैरह ना बोरिंग सब्जेक्ट होता है ठीक है, हंस के पढ़ोगे तो ज़्यादा समझ आएगा, तो फिर ना दूसरे दुनिया में चल जाओगे। चलो बोला बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाया गया समय 3/4 भाग में ए उसी काम के आधे हिस्से को पूरा करता है, यदि दोनों को मिलकर काम पूरा करने में 12 दिन लगते हैं तो बी को अकेले इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? बने गुड्डू करेंगे ना, कैसे करेंगे देखते हैं ना। देखो बोल रहा है कि बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाया गया समय है ना 3/4 भाग, मतलब अगर ये इसको समय हम लिखते हैं ठीक है, इसको काम लिखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट कर लेना, मतलब नोट डाउन कर लेना, काम बस समय ठीक है। अब ये ए और ये बी है ठीक है ना, पढ़ो फिर से, बी द्वारा किसी काम को करने में लगाए गए समय ए 3/4 भाग में कौन करता है, मतलब बी का जितना समय लगता है उसका 3/4 में कौन करता है? बी को जितना समय लगता है, फिर से पढ़ो, बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाया गया समय के 3/4 भाग में ए उसी काम का आधा कर पाता है, मतलब बी अगर एक समय लगाता है तो ए कितना लगाता है? अगर मान लो बी ना एक समय लगाता है, मान लो एक टाइम लगाता है, तो ए कितना लगाता है? 3/4 उसका। पढ़ो अच्छे से, अभी हम काम की बात कर रहे हैं, अभी समय की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। बोल रहा है कि बी किसी काम को पूरा करने में लगाया गया समय के ठीक है 3/4 भाग में, मतलब बी के द्वारा, बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाया गया समय, यानी बी द्वारा जो समय लगता है ठीक है, उस समय के 3/4 भाग में ए, तो पहले समय की बात करो ना, अगर बी एक समय लगाता तो ए कितना लगाता उसका 3/4। अब बोल रहे हैं कि उसमें कितना कर पाता है ए उसी काम का आधा, किस काम का? जितना बी करता उसका आधा, यानी अगर बी हमारा एक काम करता है तो ए कितना करता है? आधा काम करता है। बस एक ही लाइन में इसका आंसर है, उसे वो समझना था बस, समझना है फिर से पढ़ो उसको देखो। इजी है ना टाइम लो, चलो कोई बात नहीं चलते हैं। अरे हाँ इजी है, अभी भी इजी है। चलो देखो फिर से देख लो एक बार, बी अच्छे से पढ़ देखो, बी द्वारा किसी काम को पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में, मतलब बी जितना समय लगाता है उसका 3/4 भाग में, यानी बी का समय अगर एक है तो ए का 3/4, ए कितना कर पाता है उसी काम का आधा, यानी बी अगर पूरा काम करता है तो ए आधा काम करता है, ऐसा है। अब बोला अगर दोनों मिलकर 12 दिन में करते हैं तो बी को अकेले काम को करने कितना दिन लगेगा? पहले यहां से डिसाइड करो कुछ, पहले एफिशिएंसी ढूंढो कैसे निकला लो, एलसीएम अभी नहीं, ये पूरा काम है ना एक और वो, अगर मुझे काम को अच्छा बताओ, हम जब भी पढ़ते हैं हम लोग काम को इक्वल करते हैं, पहले करते हैं ना टोटल वर्क को, तो मान लो ये आधा है ये एक है, पहले टोटल काम को इक्वल करने के लिए क्या करोगे बोलो इसको? या फिर ऐसे कर सकते हैं, दो उसी को दो से कर देते, डबल कर देते, कर ले या सेम कर देते हैं कुछ भी। अगर मान लो ये है एक ठीक है, इसको एक करने के लिए क्या करोगे? दो से गुना। अब दो से जब इसको गुना करोगे, मुझे एक बात बताओ, एक बार समझो इसको लेकर के, अगर मैं इसका काम डबल करता हूँ, दो करता हूँ ठीक है,
समय भी डबल होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर मैं एक दिन में एक काम करता हूं तो मुझे दो काम करने कितना दिन लगेगा? हम तुम्हारे कंपेयर नहीं कर रहे, मेरा मैं खुद की बात कर रहा हूं, हम किसी कंपेयर नहीं कर रहे। अगर तुम किसी काम को एक दिन में करते हो तो तुमको काम डबल करवाना है कितना दिन लगेगा? अगर तुम एक दिन में देवघर एक बार जा सकते हो तो दो दिन जाना है देवघर तो कितना बार जाओ? मतलब सब जो देवघर जाना है, अगर तुमको देवघर जाना है और एक दिन में एक ही बार जा सकता है लेकिन तुम्हें दो बार जाना है तो क्या करोगे? कितने दिन लगेगा? दो दिन लगेगा। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर बी एक दिन में एक काम दिन में एक काम कर पाता है तो मुझे ना दोनों का काम इक्वल करना है, तो इसको भी एक ही बनाना है ताकि मेरा वो फिट पता चल जाए। तो इसको एक बनाने के क्या करोगे? दो से गुना कर दोगे। तो जब मैं इसको दो से करूँगा तो इसका भी दो से करूँगा कि नहीं करूँगा? करेंगे। हो गया, कितना हो गया? अब काम कितना हो गया? ए का भी और बी का भी, बोल। ए का भी एक काम और बी का भी एक काम, काम बराबर हो गया। क्योंकि जब तक काम बराबर नहीं करते तब तक हमें टाइम और इफिशिएंसी के बारे में नहीं पता चलता है। ठीक है, अब इफिशिएंसी बता दो कितना कितना हो गया। एक खत्म हो गया, इसका इफिशिएंसी 3/3 और इसकी इफिशिएंसी टाइम ना, ये काम ये समय, इफिशिएंसी कैसे निकलेगा बोलो? क्षमता कहाँ निकाले? टोटल काम तो उसी को मान के चल रहे हैं, फिर आगे देखें जो जरूरत पड़ेगा। अब मुझे बताओ क्या इस दोनों का रेशियो इक्वल कर सकते हैं? कह सकते हैं ये तीन समय लेता होगा, दो समय लेता होगा, कर सकते? अरे बेवकूफ, एक है 3/2 रेशियो में ना, अगर मुझे नीचे का हटाना है तो क्या नहीं कर सकते? ऐसा एक का अनुपात है 3:2 और एक का एक है, तो क्या इसको इससे गुना नहीं कर सकते? या फिर इसी को मान लो 2/2 से करके इसको काट देते बीच वाला, कर सकते हैं ना? तो ये हमारा क्या हो गया, अब समय मेरा इसी को हम कर दिए इस तरह से 3 और 2 में कर दिए, तो क्षमता क्या हो जाएगा बोलो? क्षमता क्या हो जाएगा? क्या बोला, क्या बोला क्षमता कितना हो जाएगा? 2 और समय को उल्टा होगा ना क्षमता, कि नहीं होगा? क्षमता समय को उल्टा होता है ना, 2-3 क्षमता हो गया। अब आगे बढ़ो, बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम कितना दिन में करता है? 12 दिन में। तो बी को काम करने में कितना समय लगेगा तो निकाल सकते हैं सर से। देखो बी का समय अगर मान लो निकालते हैं तो पहले टोटल वर्क कितना निकालोगे बता दो मुझे। ए की क्षमता कितनी है और बी की क्षमता कितनी, और दोनों मिलकर कितना दिन लगता है? हाँ दिया हो ना 12 दिन, तो ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, और बी का निकालना है, बी की क्षमता कितना है बता? 3 है ना, कटेगा 3 से 4 और 4×5 20 दिन। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा है, मतलब कुछ नहीं ज्यादा क्या है, बस है। क्वेश्चन में बहुत उलझते थे, यही वाला क्वेश्चन में बहुत ज्यादा उलझते थे। अरे पता है जब भी कोई बुक छपेगा नहीं, क्वेश्चन जरूर डालेगा, जो भी प्रकाशन में बुक छपेगा ना ये क्वेश्चन जरूर रहेगा। ये क्वेश्चन इधर नहीं आया, बहुत दिन पहले क्वेश्चन आया है, लेकिन घुमा रहे ऐसे क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन 2011-12 का होगा जैसे मुझे लग रहा है। क्या अगली बता दो क्वेश्चन क्या होगा? बताओ नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया समझ में, नहीं आया तो फिर जाके दोबारा देख लेना। लेकिन इसको ना स्ट्रेट देखो, इस सब क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इसको समझने में वक्त सबको लगेगा तुम क्या हो तो, बट इसको क्या करना है, इस सब जैसे रिकॉर्डिंग तो रहेगा तेरे पास ना, तो क्वेश्चन को रोकना फिर समझना, रोकना फिर समझना, जितना ज़्यादा समझो ये क्वेश्चन को, क्योंकि तो तेरा हर बुक में मिलेगा क्वेश्चन ये वाला। चलो मिटा दे इसको, 27 नंबर क्वेश्चन बोल दो। ए बी के मुकाबले में क्या है, केबल बोलो। ए बी के मुकाबले में केबल 40% कुशल है और सी की कुशलता क्या है, ए और बी की कुशलता का 50%। कुशल मतलब वही इफिशंसी, तो काम हो गया। सी की कुशलता, ए और बी की कुशलता कितना, 50% है। चलो देखते हैं, अगर बोल रहा है कि ए बी ना कुशलता कितना है, ए बी का कुशलता कितना है बोल, ए बी का 40% है, तो मतलब अगर 40% की बात करें तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमारा बी का 5 है तो ए कितना हो जाएगा, होगा ना 40% का फ्रैक्शन वैल्यू करो तो कितना हो जा रहा है, 2/5। मतलब अगर बी 5 करता है तो ए कितना करता है, 2 करता है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि जो सी की कुशलता है ना वो ए और बी की कुशलता कितना परसेंट है, 50%। अगर मैं आगे बढ़ूँ, ये ए बी का स्थिति हो गया, ऐसे मान लो ए और बटा बी की क्षमता कितना कितना हो गया, कितना कितना हो गया 2, और आगे जो कह रहा है ना, कह रहा है कि सी की जो क्षमता है, सी की क्षमता क्या है, ए और बी का कितना परसेंट, 50%, ये है ना, सी की जो क्षमता है ए और बी का 50% है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 50% की, 1/2। हम इसको कह सकते हैं कि सी और बटा ए प्लस बी का जो कुशलता है कितना कितना हो जाएगा बोलना, 1/2, तो सी का 1 तो ए बी का 2 होगा पक्का। अब देखो क्वेश्चन तो एक ही है, अलग अलग तो नहीं है, तो यहाँ पे किसी 1% का क्षमता इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए। अब यहाँ पे क्षमता किसका दिया हुआ, ए और बी का कितना है, कितना हुआ, और यहाँ कितना है, मुझे बराबर करना है, क्या करें, समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं कि, क्योंकि जब तक क्षमता इक्वल नहीं करेगा नहीं पता चलेगा ना मुझे, ए और बी मिला के यहाँ पे 7 है और वहाँ पे ए बी का 2 है, तो ए बी मिला के सेम होना चाहिए ना मेरा, इस दोनों का जोड़ कितना हुआ और उसका इसका एलसीएम, एलसीएम कैसे, 7 2 कैल्सियम किस कैसे होगा, 3 कहाँ है, 5 2 7 हुआ ना इधर, उसका हमको एक सी का क्यों ढूंढना है अभी, अभी तो मैं मुझे एलसीएम क्या होता है, दोनों एक ही चीज को ना मुझे ए बी को इक्वल करना है, ए बी यहाँ कितना है 7 और यहाँ ए बी कितना है, मुझे ए बी को इक्वल करना है, कितना होगा 14। अब बता 14 करने के लिए इस टर्म को कितना से गुना करोगे और इसको 7 से करोगे ना, तो ये 14 हो गया। अब यहाँ पे जब 2 से करेंगे तो दोनों पार्ट में करेंगे, यानी इसमें भी करेंगे 2 से और इसमें भी करेंगे, कितना हो गया ये 4/14 हो गया, तो वो 14 हो गया। अब मैंने जब 7 से किया तो क्या ऊपर वाला छोड़ देंगे, उसको 7 से करेंगे ना, अब कितना कितना छंदा हो गया बोलो, ए का 1 का बी का 10 सी का निकल गया निकला 1 का 4 बी का और सी का 7। आगे क्वेश्चन क्या बोला है, यदि सी उसी काम को करता है 30 दिन में तो ए बी सी कितना दिन में करेगा, ठीक है। अगर मैं आगे बढ़ूं और यहाँ से टोटल वर्क निकालूं तो टोटल वर्क क्या आता है बोलना, टाइम इनटू इफिशंसी, तो वो टाइम किसके लिए दिया हुआ है, सी के लिए, सी की क्षमता कितनी आई 7, तो लिख सकते हैं 7 × 30 यानी टोटल वर्क निकल गया 30। बोला ए बी सी बताओ कितना दिन में करेगा, ए बी सी के लिए समय बता दो, कितना हो जाएगा रे टोटल वर्क कितना हो गया, 210 हुआ ना, और ए बी सी की क्षमता कितनी है,
एबीसी की क्षमता कितनी है, इसका 14 और 7 कितना हो गया, एबीसी की क्षमता चाहिए ना एबी का, और इसका सी का कितना हो गया 21, 21 से भाग देते कितना दिन हो जाएगा, बस हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, नीचे वाला क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, तुम लोग के दिमाग से ऊपर चल जाएगा, लास्ट का क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, अच्छा क्वेश्चन भेज देंगे आपको, ताकि आप उतना ही ले सको कि जितना आप बर्दाश्त कर सको, बोलें थे अब लगता होगा टाइमर वर्क में अच्छा से मजा आता है, बस समझा ना, कल अगर नहीं है डिस्कशन में तो बताते तुम लोग को, आके चेहरा दिखा देना अपना, सुबह आएगा यहीं रह जाएगा, टाइम मिला नहीं दो पढ़ने का, मोबाइल ने डिस्कस कर पूछ सकती थी क्लास में किसी से, नहीं है तुम ठीक, तो किसे से बोलने क्या जरूरत है, ये सब बताओ से नहीं करो क्या, नेक्स्ट है नेट देख रहे, नेट से नहीं है डिस्कनेक्ट, नहीं लाइव नहीं ले रहे हम, हाँ तो हम लाइव नहीं ले रहे हैं, तो लिए थे बट फिर रुक गए, हो गया 28 नंबर देखो, बोला ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी सी उसी काम को 27 दिन में, ए बी सी एक साथ मिलकर उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो ए सी उसी काम को कितने दिन में करेगा, क्या क्या हुआ, हम 10 मिनट लोगों को छोड़ देंगे, अगर फिर सुबह थोड़ा कर लीजिएगा, बोलो ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में करता है, 18 दिन में, देखिए ए प्लस बी कितना दिन, 18 दिन, और फिर बी सी 27, और फिर ए बी सी 12, मुझे यहाँ से बताओ इसका टोटल वर्क कितना निकलेगा सबका, 108, अगर 108 हुआ इसका क्षमता 10 और इसका क्षमता 27 गुना 4 सॉरी 9 आएगा ना यहाँ पे, 18 6 108 हाँ क्या आया, और इसका क्षमता 9 ठीक है, अब तेरे से किसका पूछा है, ए और सी का है ना, ए और सी निकालोगे कैसे, आप सोचो पहले इसका क्षमता कैसे निकलेगा, ए और सी का बताओ, ए और सी का क्षमता कैसे निकालोगे, ये किसका है ए बी, ये किसका है, ये मुझे निकालना है ए और सी का, एक बात बताओ पेन है ना डबल तुम लोग के पास, एक ही को लाइफ फिर भी आ जाए, ए बी सी का 9 है और ये ना ए चाहिए मुझे, तो क्या इसमें से बी सी घटा दे तो ए का निकल जाएगा, अगर मैं ए बी सी में से बी सी घटा दूं तो किसका निकलेगा, कितना आएगा 9 में से 4 का कितना बचेगा 5, यानी इसका कितना हो गया 5, और सी का कैसे निकालोगे, ए बी सी में अगर ए बी घटा देते तो सी निकल जाएगा, इसमें से इसको घटा देते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 9 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 3, तो सी का हो गया कितना 3 हो गया ना, सी का 3 तो टोटल मिलकर कितना हो गया 5 3 8, अब निकालना है इसका निकाल देंगे, कितना हो जाएगा इसका बताना टाइम, बोलो टोटल ओवर कितना, 108 बटा 8 कितना से कटेगा,
104, 13 पूर्णांक 4 बटा 8 यानी 13 पूर्णांक 1 बटा 2, 3 ज्यादा नहीं करेंगे आज। हेलो गाइस, आज की क्लास हमें फिनिश करते हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि बीच में जैसे चलते थे लाइव रुक गया था, क्योंकि मैंने कहा था कि कल से कुछ इंटरनेट की इश्यू चल रही है, तो जहाँ पे रुक गया उसके बाद मैं ये आपको वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, उसके बाद जाके इसे देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू। और शाम की जैसे मैंने क्लास कहा 7:30 बजे से, तो आई थिंक इंटरनेट सही हो जाएगी तो हम ले लेंगे, ठीक है, चलिए।